ABPS न्यूज। अमरोहा जिले में गांव की वास्तविक स्थिति को देखने का सिलसिला जारी रहा तो हमारी टीम एक ऐसे गांव पहुंची जहां पर ना तो पंचायत घर है, ना स्वास्थ्य सेवाएं हैं, ना प्रधानमंत्री योजना के तहत आवास ही मिल पा रहे हैं। इसके साथ साथ स्वास्थ्य सेवाएं भी यहां पर ठप नजर आई। ग्राम प्रधान ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत 150 शौचालय बनवा दिए गए हैं। आवास जितने मांगे थे उतने मिल नहीं पाए, एक आवास मिल पाया, जिसकी वजह से अभी और बहुत से ऐसे लोग हैं जो आवास की मांग तो कर रहे हैं लेकिन आवास नहीं मिल पा रहा, जिसके चलते उनके गांव के लोग आज भी आवास से दूर नजर आ रहे हैं। इस गांव की अगर भौगोलिक स्थिति की बात हम करें तो 1650 यहां की जनसंख्या है, कुल वोटरों की संख्या लगभग 1300 और राशन कार्ड धारक यहां दो गांव में हैं, जिसमें पहले गांव में 242 और दूसरे गांव में 195 हैं। राशन कार्ड से वंचित परिवार भी इस ग्राम पंचायत में देखने को मिले, तो वहीं विधवा पेंशन से वंचित लाभार्थियों की संख्या 20 नजर आई। वृद्धा पेंशन यहां 19 लोगों को मिलती है लेकिन इसी पेंशन से 30 लोग अभी वंचित हैं। ग्राम प्रधान का कहना है कि यहां हमारे गांव में काफी चीजें ऐसी हैं जो होनी चाहिए लेकिन कहीं ना कहीं सरकार इस गांव की अनदेखी कर देती है, जिसके चलते यहां पर मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। शिक्षा के स्तर पर अगर हम जाएं तो यहां पाया कि प्राथमिक विद्यालय में मात्र 38 छात्र छात्राएं हैं, जूनियर हाई स्कूल यहां पर है ही नहीं। हैंडपंपों की संख्या 22 है, 10 की और मांग है और 6 हैंडपंप जो मौजूद हैं उनमें 22 में से 6 हैंडपंप खराब रखे हैं, जिनका जल्दी रिबोर कराना भी आवश्यक है। प्रधान जो है ग्राम प्रधान पुत्र जो है अशोक कुमार जो है ग्राम पंचायत जबदा ब्लॉक अमरोहा जिला अमरोहा और मेरे ग्राम में ग्राम पंचायत में जो है आवास की बड़ी समस्या है और जो है पेंशनों की उनकी ज़्यादा समस्या है, कुछ नलों की जो है हैंडपंपों की जो है और जो है जो थोड़ा सा जो है जो रास्ते हैं उनकी जो ज़्यादा समस्या है। हाँ जो भी है इसमें जो है जो अनेकों समस्याएं ऐसी हैं जो इनसे ज़्यादा वंचित है जो गाँव है और मेरा तो यही कहना है कि और जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है विकास कार्य हो सकें जिससे कि जो है कुछ सुविधाएं आ सकें।